योना भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय चार। योना भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय चार। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का और उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की कि हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शिश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। सो अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर को क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेंट का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस रेंट के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। बिहान को जब पह फटने लगी तब परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने रेंट का पेड़ ऐसा काटा कि वह सूख गया। और जब सूर्य उगा तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लूह चलाई और घाम योना के सिर पर ऐसा लगा कि वह मूर्छा खाने लगा और यह कहकर मृत्यु मांगी कि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेंट के पेड़ के कारण भड़का है क्या उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता। तब यहोवा ने कहा, जिस रेंट के पेड़ के लिए न तो तूने कुछ श्रम किया न उसको बढ़ाया और वह एक ही रात में हुआ फिर एक ही रात में नाश भी हुआ, उस पर तो तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 120,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दहिने पाए हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं?